आज हमारे दिल्ली ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली के 45 लाख श्रमिकों की समस्याओं को लेकर हमने लेबर कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया हुआ कि वैसे ही मजदूर परेशान हैं और मजदूरों को अपनी तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। और आज दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था बना रखी है, दिल्ली प्रशासन के एकदम भ्रष्ट बना रखी है, और उस कानून व्यवस्था से मजदूरों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अभी इन्होंने क्या करा कि पिछले सोमवार से करमपुरा के अंदर एडिशनल लेबर कमिश्नर श्री एस सी यादव जी बैठते थे, उनका इन्होंने ट्रांसफ़र करके एक दानिश अफसर ला के प्रेमनाथ जी उनको बिठा दिया। वो खाली मॉनिटरिंग करेंगे डिपार्टमेंट की, जबकि वहाँ पर 4000 केस हम लोगों ने कहा कि 4000 केस पेंडिंग है, और अगर वहाँ पर कोई भी जेल सी टाइप का कोई भी अधिकारी नहीं आता है तो वहाँ पेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मजदूरों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा। आज मजदूरों की हालत यह है कि एक महीने की तनख्वाह के लिए मजदूरों को तीन तीन साल चार चार साल तक लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेबर डिपार्टमेंट अगर वहाँ से मजदूर के हक में आर्डर पास भी कर देता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेबर कमिश्नर ने हम लोग के जितने भी हमारे 12-13 ट्रेड यूनियन साथी आज यहाँ पर आए थे और ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया हुआ है, और ज्ञापन के अंदर मांग की गई है कि जैसे हमारी यथास्थिति पहले थी, या तो एससी यादव को बुलाया जाए या तीसरे अधिकारी को भेजा जाए। अगर वहाँ पर नहीं भेजा तो वहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और मजदूरों को समय पर न्याय मिलेगा तो मजबूर होकर हमारे ट्रेड यूनियन साथियों को आंदोलन के रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन लेबर कमिश्नर रमेश पांडे जी ने आश्वासन दिया है, विवेक पांडे जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग की समस्याओं 15 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्याओं को हल कर दी जाएगी, नया अधिकारी आ जाएगा, और 15 दिन के अंदर नहीं अगर कोई अधिकारी आता है तो एस सी यादव को वापस 15 दिन में जैसे पहले रूटीन में था वैसे के वैसे आप लोग को रूटीन जारी कर दी जाएगी। दूसरा, हमारे साथियों ने एक ये भी प्रपोजल दिया कि लेबर डिपार्टमेंट में वैसे तो कहते हैं एक सप्ताह का टाइम होता है, लेकिन हमारे लेबर डिपार्टमेंट में सप्ताह 3 दिन का होता है। ये पूरे विश्व का पहला सप्ताह है कि लेबर डिपार्टमेंट 3 दिन मजदूर का काम होगा, बाकी 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को काम ही नहीं होता है, और गवर्नमेंट के अधिकारी फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं। रमेश पांडे जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे कि मजदूरों का 5 दिन काम होना चाहिए। दूसरा, मंगलवार जो शुक्रवार जो आप बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा, तो ये सभी कोर्ट में नहीं हो रहा या सिर्फ किसी कोर्ट के अंदर नहीं हो रहा है? ना तो लेबर इंस्पेक्टर टाइम देता है, ना असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ना डीएलसी, ना जेएलसी, कोई भी केस नहीं लगाता है। बहाना बना देते हैं कि लेबर कमिश्नर ने हमें मीटिंग में बुला रखा है, और हमने कहा कि वहाँ पर कि लेबर कमिश्नर से बात हुई, लेबर कमिश्नर ने कहा कि ऐसे हमारे यहाँ कोई मीटिंग नहीं होती है और हम अफसरों को खाली बुलाते हैं, लेकिन नीचे के डिपार्टमेंट में जो काम नहीं हो रहा उसे सुचारू रूप से काम स्टार्ट करा देंगे। लेबर कमिश्नर ने नोट कर दिया है और 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं को हल कराएंगे। 15 दिन में हल नहीं होगी तो 15 दिन के बाद दोबारा बुलाया है, उस पर 15 दिन के बाद भी अगर नहीं हुआ तो दिल्ली ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आंदोलन मजदूरों के हित में करेंगे, क्योंकि दिल्ली का मजदूर 45 लाख मजदूर है और गिने चुने इंस्पेक्टर हैं, गिने चुने डीएलसी हैं, गिने चुने एएलसी हैं, इनका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन आज फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है वो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ता है, 30 दिन काम करेगा और मालिक कहेंगे तनख्वाह लेनी है तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट का हालत यह है कि एक मजदूर को 3-3 महीने की डेटें लग रही है, और करमपुरा के अंदर तो ये हो गया, अब 3 महीने की डेट भी खत्म हो जाएगी। जैसे फिल्म दामनी आई थी, क्या हुआ, क्या मजदूर जब घर पे जाता है पूछता अपने बीवी बच्चों से आज की तारीख में क्या हुआ, तो कोर्ट में जाके कहता है तारीख मिल गई, तारीख पे तारीख। यही हमारी समस्या है, ये लेबर कमिश्नर से अवगत कराया कि इस समस्या को हल करके मजदूरों को जितना जल्दी कोशिश है कि मजदूरों को समय पर न्याय मिल सके। क्या लगता है कि 15 दिन बाद आपकी समस्याओं पर अमल हो जाएगा? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि लेबर कमिश्नर है वो हमारी समस्याओं पर हल करेगा, और हम लोगों ने आज तो ट्रेड यूनियन साथियों ने ज्ञापन देकर बताया है कि हमारी समस्याओं को हल करो, अगर हल नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई बहुत से रास्ते हैं, आंदोलन का रास्ता भी है, घेराव का रास्ता भी है, हम सारे रास्ते मजदूरों के हित में जो भी होगा बढ़िया से बढ़िया हम उसके समस्याओं को हल कराने के लिए आंदोलन करने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी है, हमारे ट्रेड यूनियन के साथियाँ बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कमिश्नर साहब से हम लोगों ने मिलकर वहाँ की सारी समस्याओं को बताया है और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने श्योर किया है कि हम 15 दिन के अंदर जो उन समस्याओं को हल कर देंगे। पहली समस्या ये थी कि वहाँ पर जितने भी 100 चेक के और लेस मिनिमम वेज के और कंपनसेशन की जितनी भी केसें थी उसको जेएलसी श्री एस सी यादव जी के रिटायर ट्रांसफ़र होने के बाद कोई दूसरा अफसर नहीं है जो उन केसों को देख सके।
हाँ सर, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इन सारी समस्याओं में एक मुद्दा ये था कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट में मंगलवार और शुक्रवार को केस लगाना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि श्रम निरीक्षक भी उसमें कोई तारीख नहीं दे रहे हैं। इस विषय पर भी बातचीत हुई है और आश्वासन दिया लेबर कमिश्नर ने कि 15 दिन के अंदर हम इस काम को हल करेंगे और करमपुरे का यानी सभी डिस्ट्रिक्ट का काम देखेंगे और सभी अफसरों को नियुक्त करवाना है। और एक ही बात और कही अच्छी इसमें कि हम काउंसलिंग करेंगे सभी अफसरों के साथ, क्योंकि वो लोग जो भी इंस्पेक्टर हैं या आईओ हैं जो काम नहीं करते ठीक ढंग से, उनके साथ काउंसलिंग होगी और इसके बाद उनको बताया जाएगा कि आपने इस ढंग से काम करना। बहुत ज़्यादा लेबर डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की कमी है, किसी भी ज़िले में परमानेंट आईओ नहीं है, किसी भी ज़िले में अभी 3 वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 9 ज़िलों के अंदर केवल 3 अधिकारी रह गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है केसों का अभाव बढ़ता जा रहा है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी लेवल कमिश्नर महोदय ने बताया कि 4000 केस हमारे पास पेंडिंग है, यानी कि 3-3 महीने की डेटा मिल रही है मजदूरों की, 2-2 1-1 महीने की सैलरी के लिए मजदूर जो है सालों साल धक्के खा रहा है। तो उसके लिए भी उनसे चर्चाएँ की, जिस पर लेबर कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर स्टाफ को बढ़ाएंगे, सफाई कर्मचारियों की प्रत्येक ज़िले में 1-1 व्यवस्था करेंगे और आईओ की भी हम व्यवस्था करेंगे और डेली 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक केस लगवाएंगे और अधिकारियों को कहेंगे कि वो अपना जो है पूरा समय ड्यूटी पर अगर